सामने हिरण का झुंड सड़क पार कर रहा है। न चाहते हुए भी उसे अपनी मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी। हिरणों के झुंड के निकल जाने के बाद जैसे ही मुकेश अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है तो पीछे से वही हॉर्न बजता है। मुकेश डर जाता है और एकदम से मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा देता है। अचानक स्पीड बढ़ जाने से मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है और मुकेश मोटरसाइकिल के साथ झाड़ियों में घुस जाता है। थोड़ी देर बेहोश होने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक डॉक्टर और एक नर्स खड़े हैं। इन दोनों को देखकर मुकेश डर जाता है। अरे भाई अब डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ और ये है मेरी नर्स। अब लेकिन आप लोग जंगल में क्या कर रहे हैं? दरअसल हम लोग किशनपुर जा रहे थे, वहाँ हमारा मेडिकल कैंप लगा हुआ है, आज शाम तक किसी भी हालत में पहुँचना था, लेकिन देखिए हमारी गाड़ी बार बार धोखा दे रही है। हमने कई बार आपको हॉर्न दिया लेकिन आपने मोटरसाइकिल नहीं रोकी। तो मैं कोई मैकेनिक थोड़ी ना हूँ जो आपकी गाड़ी ठीक करता। मुझे एक बात बताइए, जब आप मुझे रोकने के लिए हॉर्न बजाते थे और मैं पीछे मुड़कर देखता था तो आपकी गाड़ी दिखाई क्यों नहीं पड़ती थी? अरे भाई साहब वही तो खराबी है हमारी गाड़ी में, थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जा रही थी, जब चलती थी तो आपके पीछे आकर हॉर्न बजाते थे और हॉर्न बजाते ही गाड़ी बंद हो जाती थी। तो आपको अपने लोगों को फोन करके बुला लेना था, आप मेरे पीछे क्यों भाग रहे थे? देखिए भाई हम दोनों के फोन की बैटरी डाउन है ना, इसलिए हमने सोचा कि आप रुक जाओगे तो आपके ही फोन से किशनपुर फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लूंगा, लेकिन आप तो स्पीड बढ़ाए जा रहे थे। कमाल है सर, आप डॉक्टर और आप नर्स, मगर आप दोनों लोगों का फोन किसी काम का नहीं है। देखिए भाई साहब कृपया मदद करिए हमारी। इतना सुनने के बाद मुकेश को लगता है ये लोग सही बोल रहे हैं, इनको मोबाइल दे देना चाहिए। मोबाइल देने के लिए मुकेश नीचे पड़े अपने बैग को उठाने के लिए झुकता है तो देखता है कि इन दोनों के पैर उल्टे हैं। ये देखकर उसकी तो जैसे जान ही निकल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि मामा जी ने क्यों देर से जाने पर मना किया था। डर के मारे मुकेश की हालत खराब हो जाती है, उसके चेहरे पर पसीने छूटने लगते हैं। अपने आप को संभाल कर वो डॉक्टर से बोलता है, सर एक काम कीजिए, आप मेरी मोटरसाइकिल खड़ी करवाइए वरना सारा तेल गिर जाएगा और मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा। मुकेश किसी तरह डॉक्टर से अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करवाता है और अपने बैग से फोन निकालने के लिए हाथ डालता है तो सोचता है, यार क्या करूं जो इनसे बच के निकल जाऊं। तभी मुकेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। इनको ना दूसरा वाला फोन दे देता हूँ, जिसको छोड़कर मैं भाग भी जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुकेश अपने बैग के दूसरी जेब से छोटा मोबाइल निकालकर भूतिया डॉक्टर को देता है। लीजिए आप इस मोबाइल से फोन लगाओ सर, जब तक मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके देखता हूँ कि खराब तो नहीं हो गई। इतना कहकर मुकेश मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है। मोटरसाइकिल के स्टार्ट होते ही वो झटके से बैग उठाकर मोटरसाइकिल को तेजी से भगा लेता है। मुकेश को भागता देख डॉक्टर और नर्स अपने असली रूप में आ जाते हैं और मुकेश का पीछा करने लगते हैं। मुकेश मोटरसाइकिल का पूरा एक्सीलेटर घुमा देता है, मोटरसाइकिल फुल स्पीड पकड़ लेती है और दोनों शैतान भी उतनी ही स्पीड में मुकेश का पीछा करने लगते हैं। दोनों बस मुकेश को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी मुकेश को दूसरी तरफ मोड़ पर हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है। मंदिर देखते ही मुकेश बिना देरी किए मोटरसाइकिल मंदिर की तरफ मोड़ देता है और मुकेश के मंदिर की सीमा में पहुंचते ही पीछे पीछे दोनों शैतान भी पहुंच जाते हैं। लेकिन मंदिर की सीमा पर पहुंचते ही दोनों को एक जोरदार झटका लगता है और दोनों धू धू कर जलने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों शैतान जलकर राख हो जाते हैं। मुकेश खुशी से झूम उठता है और जय बजरंगबली कहता हुआ अपने घर के लिए निकल पड़ता है।